जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज हम गुरु जी की आज्ञा से एक महान किताब जीवन और मृत्यु के स्वामी का पठन करेंगे। जय गुरु जी। बोलते समय कुछ गलती हो तो गुरु जी क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें। जय गुरु जी। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जीवन और मृत्यु के स्वामी, लेखक श्री नरेंद्र डंड, अनुवादिका श्रीमती कमलेश चौधरी, संपादिका रिंकी भाटिया आंटी, साभार, शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल पेज। जय गुरुजी। समर्पण। यह पुस्तक संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान गुरुजी के चरणों में सप्रेम एवं सादर समर्पित है। इनका आशीर्वाद मेरे परिवार, मेरे मित्रों एवं मुझे सदैव प्राप्त हुआ है। इनके दिए अलौकिक प्रकाश ने जीवन के हर क्षण और चरण में मेरा मार्ग निर्देशन किया है। जय गुरु जी। प्रस्तावना। तेनों सत्संग दी की लोड है, तेरी अपने ही बुक बहुत बड़ी है, तुम्हें सत्संग की क्या आवश्यकता है, तुम्हारे स्वयं के सत्संग की पुस्तक ही इतनी बड़ी है। गुरु जी मुझसे अक्सर ये शब्द कहा करते थे, उनके शुभाशीर्वाद तथा उनके छत्र छाया में पुस्तक लिख रहा हूँ तो उनके कहे ये शब्द पुनः मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं तो साधारण मनुष्य मात्र हूँ, परंतु गुरुजी तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वभूत महान शक्ति हैं। गुरुजी मेरे पालनहार, मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रभु हैं। इस पावन पुस्तक को अपने सभी पाठकों तक पहुँचाने में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवशाली समझ रहा हूँ। मेरी बड़ी विनम्रतापूर्वक गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वे अपनी दिव्यता के अमृत सरोवर में सभी भक्तों को डुबकी लगाने की अनुमति प्रदान करें। जय गुरु जी। परिचय। अपने अनुभवों को व्यक्त करने का यह मेरा एक विनम्र प्रयास है। गुरु जी के शरण में आ जाने पर जो चमत्कार हमारे जीवन में हुए, उन्हें और उनकी महिमा को बताने का प्रयास किया है। यह मात्र मुझसे, मेरे मित्रों और मेरे परिवार से संबंधित सत्संगों का संग्रह नहीं है, अभी तो गुरु जी की अपार अनमोल आशीर्वाद का अथाह खजाना भी है। इसमें उनके अलौकिक प्रकाश और उनका जादुई व्यक्तित्व भी है। उनके सत्संग केवल उनकी प्रभुता का चित्रण ही नहीं करते, अभी तो यह भी दर्शाते हैं कि गुरु जी अपने भक्तों की बहुत चिंता भी करते हैं। वे अपने भक्तों के स्वास्थ्य व आर्थिक लाभ से भी अधिक अपने हर शिष्य का अपनी अपरिमित प्यार व आशीर्वाद से पथ निर्देश भी करते हैं। गुरुजी हमारे पालनहार, हमारे मार्गदर्शक और हमारे भगवान हैं। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ भी गुरुजी के पास हमारे लिए है, उसे हम विनम्रतापूर्वक सदनिवाद स्वीकार करें, क्योंकि केवल गुरुजी ही हमारे उचित व अनुचित के ज्ञाता हैं। हमें संपूर्ण हृदय से गुरुजी के प्रति समर्पित होना चाहिए। उनकी दिव्य शक्ति तुम्हारे अंतकरण को पवित्र करें, उनके आध्यात्मिक प्रकाश से तुम्हारा जीवन मार्ग प्रकाशित हो जाए। तुम अज्ञान के अंधेरे को पीछे छोड़कर उस जगमग मार्ग पर आगे बढ़ो जो अंत में गुरुजी की दिव्य ज्योति में सदा के लिए लिप्त हो, उनके प्रभुत्व व महिमा में समाता जाए। निस्वार्थ भाव से गुरुजी से प्रेम होना चाहिए, उन्हें में संपूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। फिर तुम स्वयं देखोगे कि गुरुजी कितनी मृदुलता से तुम्हें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए तुम्हें मोक्ष के निकट पहुंचा देंगे। मेरे गुरु जी हाँ होर कोई ना, मेरे गुरु सदस्य कोई अन्य नहीं है। जय गुरु जी। अब हम गुरु जी की आज्ञा से पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गुरु जी का दुष्ट आत्मा को भगाना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हम मनुष्य बहुत स्वार्थी होते हैं। ईश्वर हमें सचेत करता है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते जब तक हमारा कोई मतलब या कारण ना हो। अपने भक्तों को अपने पास बुलाने का गुरुजी का अपना ही अलग तरीका था। सन 1996 पटियाला पंजाब में अपना जन्मदिन मनाते हुए गुरुजी ने अपने शुभ स्वरूप संगत में बांटे। मेरे अंकल व आंटी जी भी वहाँ उपस्थित थे। गुरुजी ने आशीर्वाद से युक्त अपना एक स्वरूप मेरी माता जी को दिया, जिसे मेरी माताजी ने श्रद्धापूर्वक मंदिर में रखा। मेरी माताजी व भाई गुरुजी के महाशिवरात्रि के उत्सव में गए। मेरी माताजी
मुझे भी साथ ले जाना चाहती थी, परंतु मैंने इनकार कर दिया। बाल्यावस्था से ही मैं शिव भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन शिव पुराण का पठन किया करता था और अपने हाथ में रुद्राक्ष माला लेकर शिव जी का जाप किया करता था। अचानक ही मैंने एक दिन निश्चय किया कि ना मैं माला लेकर जाप करूँगा और ना ही प्रार्थना करूँगा। एक संत पुरुष हमारे घर अक्सर आया करते थे। उन्होंने मुझे मात्र शिव भक्ति करते रहने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी 45 दिनों में शिव प्रभु के दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगा। उनसे प्रेरित होकर फिर से मैंने प्रतिदिन भक्तिपूर्वक प्रार्थना आरंभ कर दी। उन संत पुरुष के कथा अनुसार उन्हीं 45 दिनों के भीतर मुझे गुरुजी मिले। जय गुरुजी। मेरी पत्नी किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थी। कोई भी प्रार्थना या अनुष्ठान इस समस्या को हल करने में सहायक नहीं हो पा रहा था। इस कारण घर में सब परेशान थे। मैंने अपने संपूर्ण परिवार के साथ पंचकुला जाकर गुरुजी से आशीर्वाद लेने का निर्णय किया। परंतु जैसे ही हम पंचकुला बस स्टेशन पहुँचे, मैंने सबको गुरुजी के पास न जाने के लिए बलपूर्वक कहा। मुझे लगा मेरी माताजी और पत्नी को अन्य औरतों के भांति निकारण ही गुरुजी पर विश्वास है। गुरुजी के दर्शनों की अपेक्षा हम मनसा देवी माँ के दर्शनों के लिए चले गए। मैं व मेरे परिवार भाग्यशाली था कि हमने 13 अप्रैल 1997 बैसाखी के पर्व चंडीगढ़ में मनाया। शादी के समारोह की भांति सारा वातावरण प्रसन्नता व आनंद से परिपूर्ण था। मैंने एक भक्त को कहते हुए सुना कि यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करता है तो गुरुजी उस भक्त को अवश्य दर्शन देते हैं। सारी रात मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहा। सुबह 4:30 बजे मेरे शयन कक्ष का द्वार अपने आप खुल गया और मेरी पत्नी ने किसी की परछाई देखी। उसने एकदम मुझे जगाया, परंतु वह छाया विलुप्त हो गई। कुछ घंटों बाद जब हम घर की सफाई कर रहे थे तो सोने की दो महीन तारें हमें घर के मंदिर में मिली। मेरी पत्नी ने उन तारों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। आश्चर्य तो इस बात का था कि यह घटनाक्रम तब तक रोज चलता रहा जब तक लगभग 30 स्वर्ण तारे हमने एकत्रित कर ली। ये तारें सुच्चा तिल्ला गुरुजी के चोले की थी। हमें इससे ज़्यादा और किसी साक्ष्य की आवश्यकताएँ नहीं थी। गुरुजी हमारे प्रभु स्वयं आशीर्वाद देने हमारे घर आए थे। हम प्रति सप्ताह गुरुजी के पास जाने लगे, परंतु मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अगली बार हम तांबे का एक पात्र लेकर गुरुजी के पास गए। जब गुरुजी ने अपने दिव्य हाथों से पात्र को स्पर्श किया तो मैं अपने आप में अच्छा अनुभव करने लगा। हम वापस घर लौट आए। इसके पश्चात हम गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी गए। मेरे साथ आए भक्त ने गुरुजी के घर की ईंट का आधा टुकड़ा मुझे दिया और कहा, इस महापुरुष के जन्म स्थान का हर पत्थर पवित्र है। घर आकर मैंने उस पवित्र ईंट का आधा टुकड़ा भक्तिभाव व आदरपूर्वक अपने घर में बने गुरुजी के मंदिर में रख दिया और चमत्कार हो गया। आधी रात को गुरुजी मेरे स्वप्न में आए और मेरे पास खड़े हो गए। मेरी वाणी को उन्होंने स्त्री की वाणी में बदल दिया। उस स्त्री की आत्मा गुरुजी से बात करने लगी। वह बता रही थी कि बहुत शक्तिशाली है और उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, परंतु इस आधी ईंट की शक्ति ने उसे हार मानने के लिए विवश कर दिया है। मैं ये आश्चर्यजनक घटना अपने स्वप्न में देख रहा था। मैंने स्वप्न में ही उस दुरात्मा को हमारे घर से जाते हुए देखा। अगले सप्ताह गुरुजी के दर्शनों के लिए हम चंडीगढ़ गए। गुरुजी ने आधी ईंट व अपना स्वप्न उनके वहाँ आई हुई संगत को सुनाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि भक्तों के कहे बिना भी गुरुजी को अपने भक्तों के कष्टों का ज्ञान हो जाता है। गुरुजी अपने भक्तों को याद दिलाते रहते हैं कि वे भगवान शिव के अवतार हैं। वास्तव में स्वयं को महाशिव कहते थे। उनके अनुसार गुरु दो प्रकार के होते हैं, मनमुखी मन पढ़ने वाले और मोहमुखी वे जिन्हें शिष्यों के कष्टों के बारे में बताया गया हो। गुरुजी मनमुखी थे। उन्हें पता होता था कि उन भक्तों के मन में क्या चल रहा हो। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि किसी को भी गुरु से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना गुरु के प्रति अनादर है और मांगना गुरु का महत्व कम कर देता है। मांगो नहीं मानो, गुरुजी का कहना था। मुझसे कुछ नहीं मांगो, बस मेरी आज्ञा मानो, गुरुजी संगत से कहा करते थे कि भगत के कुछ मांगने से जो आशीर्वाद गुरुजी देना चाहते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। गुरुजी ये भी कहा करते थे कि उनका पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए संगत को उनसे कुछ दूर बैठना चाहिए। गुरुजी अक्सर
गुरु जी अक्सर दिए का उदाहरण देते थे। दिए के तले में अंधेरा होता है, परंतु वह अपने स्थान से दूर को प्रकाशित करता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बोलते समय कुछ गलती हो तो गुरु जी क्षमा करें। संगत जी क्षमा करें और नज़रअंदाज करें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका।